हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों की प्लेसमेंट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तैयारी तो ज़रूर स्टार्ट कर दो, अभी टाइम है आपके पास। आप कोई भी कंपनी निकाल सकते हो इफ़ यू स्टार्ट नाउ। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फॉलो द राइट रिसोर्सेज, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन द एग्जैक्ट रिसोर्सेज। कुछ फालतू का नहीं पढ़ना है, कुछ छोड़ना भी नहीं है, ठीक है? सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द रिसोर्सेज, द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू। मैं बार बार ये आपको बताता रहता हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेड पाथवे दूंगा कि आप कहाँ से वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ऑब्वियसली हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको करने हैं क्लासिकल क्वेश्चंस, ठीक है? क्लासिकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली जो आपके बार बार पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और जो इंटरव्यूअर्स को ना थोड़े से रटे हुए होते हैं। मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन रटा हुआ है तो आपकी टेंडेंसी यही रहेगी ना कि आप अपने कैंडिडेट से उसी टाइप का क्वेश्चन पूछो। तो इंटरव्यूअर्स को वो क्वेश्चंस रटे हुए होते हैं, वो क्लासिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं। और वो क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से करके जाना है, ठीक है? अनटिल इंटरव्यूअर ने अलग से एफर्ट नहीं मारे हैं एंड अलग से क्वेश्चन नहीं डिस्कवर किए हैं, देन इन दैट केस आपके क्लासिकल क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। सो मेक श्योर दैट यू लर्न दोज एल्गोरिदम जो क्लासिकल क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, एंड एटलीस्ट प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस वन। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू एक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है? वो आप लोगों को बुक ज़रूरी नहीं है करो आप, मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ जहाँ से आप जाकर के ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यार मेरी बड़ी ऐसी शीट है 250 क्वेश्चंस वाली, उसमें भी मैंने क्लासिकल क्वेश्चंस सारे कवर किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नए क्वेश्चन ट्रेंडिंग में हैं वो भी डाले हुए हैं। सो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, एंड इन क्वेश्चंस को करने के लिए यू कैन गो टू द प्लेटफॉर्म कोड स्टूडियो, ठीक है? कोड स्टूडियो पे जाकर के यू कैन एक्सप्लोर माई DSA शीट। ध्यान रखना वहां पर आपको दो DSA शीट दिख रही होंगी स्क्रीन पे, एक होगी मेरी बिगनर्स DSA शीट और वो एक होगी मेरी DSA शीट। तो जो मेरी बिगनर्स DSA शीट है ना उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, वो बिगनर्स के लिए हैं, वो आपको एक तरीके से लॉन्च करने के लिए हैं कोडिंग में। सो वो वाली शीट आपको नहीं करनी है अगर आप बिगनर नहीं है, तो बिगनर है तो वो वाली कर लेना। देन एक और DSA शीट मिलेगी आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो, सो आपको वो वाली DSA शीट करनी है। सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक भी क्वेश्चंस का छोड़ना नहीं है। और जस्ट इन केस आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उसको होल्ड पे रख लेना बाद में करने के लिए, ठीक है? लेकिन डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर लेना। ऑलराइट नाउ, अब आपको लगेगा कभी कभी कि यार आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ही क्वेश्चंस करने हैं, या फिर आपको लेट अस से गूगल के ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करने हैं, देन इन दैट केस कोड स्टूडियो पे ही जा करके यू कैन सर्च कंपनी वाइज क्वेश्चंस, ठीक है? ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू दी प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस में इंटरव्यू प्रॉब्लम्स पे जा करके यू कैन बेसिकली सर्च क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द कंपनी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना अमेजॉन, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन, ये सारी कंपनीज में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंशन है। यू कैन प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस, ठीक है? अब किसी को टॉपिक वाइज करने हैं तो टॉपिक वाइज भी आप क्वेश्चंस कोड स्टूडियो पे सर्च करके कर सकते हैं, ठीक है? नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट थिंग इज, बहुत लोगों को ना एप्टी के रिसोर्सेज नहीं मिलते, तो एप्टी की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। बट अगेन आई वुड नॉट से कि यार आप लोग जाके बुक्स वगैरह पढ़ने लग जाओ, बुक्स करने लग जाओ। कोड स्टूडियो पे ही आपको एप्टी के लिए भी रिसोर्स मिल जाएंगे। सो यू हैव टू गो टू दी गाइडेड पाथवेज, गाइडेड पाथवेज पे आप लोग चले जाना। देन आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे गाइडेड पाथवेज दिखेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का दिखेगा, कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप कंपेरेटिव स्टार्ट करने लग जाओ। DBMS, हाँ ऑब्वियसली यू कैन फॉलो DBMS, देन यू कैन फॉलो दी ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल। ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक। देन यू हैव एप्टी प्रिपरेशन, ठीक है? एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन आप लोग यहाँ से ईजिली कर पाएंगे। तो एप्टी वाले सेक्शन में चले जाना, आप लोगों के एग्जैक्ट जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एप्टी में आते हैं ना उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना यार, आप लोग जब एप्टी के क्वेश्चंस करें ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस, आई नो, बट मेन जो चीज़ है वो होता है टाइम, कितने टाइम में आप लोग क्वेश्चंस कर पाते हैं। सारा खेल टाइम का है वहाँ पर, मतलब जितना जल्दी कर पाओगे उतनी जल्दी आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाओगे, और जो ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेगा वही विनर होगा, उसी का इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी, ठीक है? तो एप्टी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो ऑल दीज रिसोर्सेज जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करते हैं ना कोड स्टूडियो पे, तो आपको उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं तीनों ही लैंग्वेजेस में, ठीक है? मैं आपको एक बार आपको जाकर के दिखा भी देता हूँ। सो लेट अस से आप मेरी ही शीट का कोई DSA क्वेश्चन कर रहे हैं, सो इन दैट केस लेट अस ओपन दिस क्वेश्चन। तो अगर आप लोग पहले बात तो खुद ही ट्राई करेंगे, खुद ट्राई करना है अच्छे से टाइम लगा करके। अगर आप खुद ट्राई करते रहते हैं लेट से 45 मिनट से 1 घंटे तक के लिए, देन उसके बाद आकर के आप लोगों को हिंट्स या सॉल्यूशंस देखने हैं, ठीक है? हिंट्स या सॉल्यूशंस देखने हैं, तो यू कैन गो टू शो हिंट और शो सॉल्यूशंस। तो
तो लेट अस सी सॉल्यूशंस क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों ने दो अप्रोचेज मिल जाएंगी, मतलब जितनी भी पॉसिबल अप्रोचेज होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोड मिल जाएगा, कोड सी प्लस प्लस में, पाइथन में, जावा में, आपको तीनों ही लैंग्वेजेस में यहाँ पर कोड्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आई वुड स्टिल से कि आप लोग हिंट से काम चलाओ, पहले तो खुद ट्राई करो, खुद नहीं होता तो हिंट से काम चलाओ, उसके बाद ही आकर के आप लोग सॉल्यूशन देखो। बट यस, आपकी ये श्योरिटी है कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना तो उसका आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा, आप बीच में कहीं हैंग नहीं हो जाओगे। ठीक है, सो दैट्स वाई आई लाइक दिस प्लेटफॉर्म। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको ना बहुत अच्छा फीचर क्या, बहुत अच्छा एक टाइम देखने का ऑप्शन मिल जाता है कि कितने टाइम में लगभग आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो लेट अस से अभी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 मिनट्स, तो इसका मतलब यह है कि लगभग 30 मिनट्स के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 मिनट्स, तो इन दैट केस यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग 1 आवर, 1.5 आवर ऑन दैट सेम क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपका DSA कवर कर लिया, आपका FT कवर कर लिया, आपके सब्जेक्ट्स के हमने देख लिए, DBMS के एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स, देन हमने यहाँ पर FT देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, वो है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बार आप लोग को ना इंटरव्यूज़ का पैटर्न नहीं पता होता है, हर कंपनी का अलग अलग पैटर्न होता है इंटरव्यूज़ का। ठीक है, कोई कोई कंपनी होती है जो फिर आपका सिर्फ DSA पूछती है, सारे राउंड्स में DSA पूछती है एक सर्टन लेवल का। कुछ कंपनीज होती हैं जो आपका सिस्टम डिज़ाइन भी पूछ लेती हैं, दोज कंपनीज आर वेरी रेयर। तो मैं अभी आपसे नहीं कहूँगा सिस्टम डिज़ाइन पढ़ने लग जाओ, अभी जो मैंने बता रखा है ना सिर्फ उस पर फोकस करो। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन अगर आपको पढ़ना है, अगेन यू कैन रेफर दी गाइडेड पाथवे, बट अभी के लिए डोंट गो टू सिस्टम डिज़ाइन, अभी के लिए जस्ट डू सब्जेक्ट्स, जस्ट डू DSA एंड जस्ट ट्राई टू मेक अ प्रोजेक्ट। सो अलग अलग कंपनीज का ना अलग अलग पैटर्न होता है, कोई कंपनीज प्रोजेक्ट पूछती हैं, कुछ नहीं पूछती हैं। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू रीड एटलीस्ट 3-4 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बिफोर अपियरिंग फॉर अ कंपनी। ठीक है, एक कंपनी में अपियर करने से पहले आप 3-4 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस एटलीस्ट पढ़ लो अच्छे से। और कोर्स शुरू भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का, सो वी हैव इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में सारी कंपनीज का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर एक्सपीरियंस पढ़ते पढ़ते बीच में कोई क्वेश्चन आ जाता है ना कि ये DSA का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट DSA क्वेश्चन हेयर इटसेल्फ। अब जैसे Amazon SD1 का हम यहाँ पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस खोल के देख लेते हैं। सो यहाँ पर यह है इंटरव्यू का प्रोसेस, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, whatever। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ना उसकी लिंक भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्राई प्रॉब्लम, उसके बाद यू कैन सी द अप्रोच। ठीक है, खुद से प्रॉब्लम ट्राई करने के बाद अगर नहीं होती है तो यू कैन सी द अप्रोच। ये काफ़ी एक आपको क्लीन इंटरफेस मिल जाएगा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने के लिए। और बीच में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन का नाम ही नहीं पता चलेगा, आप लोगों को ना पूरा लिंक दे दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो इट्स अ रियली गुड थिंग, सो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट। ये सारे के सारी चीज़ें आप लोग फॉलो करते रहो टाइमली बेसिस पे, डोंट स्किप इवन अ सिंगल डे, एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये। मुझे पता है आप लोग के एंड सेम्स आएंगे, पता नहीं क्या क्या वाइवा क्या क्या आएगा, बट यार टाइम निकाल लेना, स्किप मत करना दिन को। चाहे आपका 1 घंटा निकले या 2 घंटा निकले, 1 घंटा 2 घंटा मैं जब बता रहा हूँ जब हैक्टिक होगा, वरना तो आपको पूरा दिन ही दे देना है इसमें। ठीक है, लेकिन इन द वर्स्ट केस 1 से 2 घंटा तो आपको डेफिनेटली देना ही देना है, सो दैट कंटिन्यूटी जो होती है ना वो बनी रहे। ठीक है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, रिदम आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्ट्रीक ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो आज से ये चीज़ फॉलो करो आप लोग, एंड मैं आप लोगों को मिलूंगा बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छे अपडेट के साथ। मैं इंटरव्यू प्रेप के लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ फॉर दिस अपकमिंग प्लेसमेंट सीजन, तो जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन थिंग्स वेरी फास्ट, एंड यस वेरी सून यू विल हियर बैक फ्रॉम मी। ऑलराइट, सो नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर द कोर्स स्टूडियो प्लेटफॉर्म। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द प्लेसमेंट्स।